जैसे जैसे चुनावी तारीख 10 मई करीब आ रहा है, तमाम पार्टियां आक्रामक तरीके से दौरे प्रचार करने कर्नाटक पहुंच रही हैं। रविवार से कर्नाटक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनता के बीच हुंकार भरने पहुंच रहे हैं। बसवन्ना जयंती के कार्यक्रमों और उसके बाद विजयपुरा में सभा। ध्यान दीजिएगा, विजयपुरा सीट वही जगह है जहां बीजेपी मजबूत मानी जाती है, लेकिन यहां बीजेपी की पकड़ को कमजोर करने और अपना दबदबा बनाने राहुल गांधी यहां पहुंच रहे हैं। विजयपुरा निगम में भाजपा न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, यानी भाजपा के लिए यहां बल्ले बल्ले वाली स्थिति है, मगर इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्लान है कि वो बीजेपी के वोटरों को किस तरह से खींचे। वहीं बसवन्ना जयंती के कार्यक्रम में शामिल होकर एक बड़े से लिंगायत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में भी कांग्रेस है और इसके लिए लगातार वो हमले भी कर रही है। बसवराज जयंती को बसवन्ना युग या बसवेश्वर युग भी कहते हैं। कर्नाटक में इसके अनुयायियों की बड़ी संख्या है। कर्नाटक में लगभग सभी शहरों और गांवों में इस दिन को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है और इस दिन भक्त भारी संख्या में भगवान बसवेश्वर के मंदिर में जाकर पूजा अर्चन करते हैं। दक्षिण के किसानों में भी इस पर्व का विशेष महत्व है। राहुल की इस यात्रा को कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायत समुदाय तक कांग्रेस की पहुंच बढ़ाने की पार्टी की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लिंगायत एक प्रभावशाली समुदाय है और वो कुल जनसंख्या का 17% है। उसे सत्तारूढ़ भाजपा का वोट बैंक भी माना जाता है। राहुल का इसके बाद विजयपुरा में रोड शो का कार्यक्रम है, फिर शिवाजी सर्किल, फिर बेलगावी के रामदुर्ग में गन्ना किसानों से बातचीत, फिर गडग में युवा संवाद, उसके बाद हंगल में एक जनसभा। एक साथ इतने सारे कार्यक्रमों को कवर करने के पीछे कांग्रेस का ज्यादा फोकस है। एक सप्ताह के भीतर राहुल गांधी का ये कर्नाटक का दूसरी यात्रा है। वो 16 अप्रैल को इससे पहले जय भारत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलार पहुंचे थे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कर्नाटक के कोलार में 5 अप्रैल को आना था, लेकिन ये दौरा रद्द हो गया था। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि चुनाव में अभी काफी समय है और ऐसे में राहुल गांधी का आना बहुत जल्दी होगा। इसके बाद राहुल गांधी 16 अप्रैल को कोलार पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। आपको बता दें कि कोलार वही सीट है जहां राहुल गांधी की ओर से मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणियां की गई थी और उसको लेकर मानहानि के एक मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था और 2 साल की कैद की सजा भी सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता अयोग्य ठहरा दी गई थी। उडुपी जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार कोडावुर ने शुक्रवार यानी 21 अप्रैल को बताया कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी 23 और 24 अप्रैल को उडुपी जिले का दौरा करेंगे। शिवकुमार 23 अप्रैल को बयंदूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और कोल्लूर मंदिर जाएंगे। फिर 24 अप्रैल को एक विशाल रोड शो भी निर्धारित किया गया है, जिसमें वो उडुपी शहर के बस स्टैंड से अज्जरकाड तक जाएंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इन आयोजनों में 10,000 से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे हैं, एक तो पूर्व सीएम सिद्धारमैया और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार। राज्य में 10 मई को एक चरण में इलेक्शन है और 13 मई को परिणाम है। वहीं बीजेपी के लिए कर्नाटक की चुनावी बिसात में जगह जगह कई सारे कांटे बिछाए गए हैं। उसके 2 बड़े नेता जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी दोनों ही लिंगायत समुदाय से आते हैं। लिंगायत समुदाय को पिछले 3 दशक से बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। लिंगायत यहाँ के काफी प्रभावशाली समुदाय है और इनकी आबादी करीब 17 से 18% के बीच मानी जाती है, और अगर इनकी नाराजगी मतदान में दिख गई तो फिर बीजेपी के लिए कर्नाटक की सत्ता में वापसी बेहद ही कठिन हो सकता है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के लोग लंबे समय से आरक्षण को बढ़ाकर 15% करने की मांग उठा रहे हैं। फिलहाल कर्नाटक में लिंगायत के लिए 5% का आरक्षण है और बोम्बई सरकार के नए फैसले से ये 7% पर जा पहुंचेगा। वहीं वो कालिगा समुदाय भी लंबे वक्त से आरक्षण को 4 से बढ़ाकर 12% करने की मांग कर रहा है। अभी भी लिंगायत और वो कालिगा समुदाय के अलग अलग वर्गों में आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार से नाराजगी है और इससे होने वाले नुकसान को रोकने की चुनौती भी बीजेपी के सामने है और इन्हीं सब का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है, और इसी के मद्देनजर राहुल गांधी कर्नाटक पहुंच रहे हैं, वो भी 2 दिन के लिए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।